बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूज, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छी सेहत में। दुआ करती हूँ अल्लाह आपको कामयाबी दे इस दुनिया में तो आखिरत में। आज मैं हफ्सा बना रही हूँ। यहाँ है गर्म पानी मैंने डाला है, तो आधा किलो शुगर, ये ऑप्शनल है, शुगर अपने हिसाब से डालें, जो ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डालें, तो जो ज़्यादा नहीं पसंद करते थोड़ी डालें। यहाँ है लाइम, मैंने हाफ कर दिए, तो अब इनका जूस निकाल रही हूँ। ये है हैंड स्क्वीजर, हैंड जूसर, लेमन जूस, लेमन स्क्वीजर। ये हमारा लेमन जूस है, ये मैंने पाकिस्तान से खरीदा था, बहुत ही अच्छा है, वेरी यूजफुल। सो अभी शुगर को मिक्स करें, बिल्कुल करते करते शुगर डिजॉल्व आ जाएगी, डिजॉल्व आ जाएगी। अब मैंने 2 लीटर पानी ऐड किया है, अब मैं लाइम जूस ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। लाइम बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो जिसको सिर में दर्द होता है ना, लाइम पीते हैं ना ठीक हो जाते हैं। अभी रूह अफ़ज़ा ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैंने लेमन भी डाल दिया है, रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया है। ये तो फलंगे मैं सब पर डालूँगी, क्योंकि मेरे बेटे ये नहीं पीते बिल्कुल, वो सिप कर देते हैं, तो इसलिए मैं ये अलग डालूंगी। तो अब थोड़ा उनके लिए अलग रख दिया है, तब 6 सीज तो फलंगा ऐड करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रूफ सा बन चुका है, अब इसको फ्रिज में रख देंगे, तो जब इफ्तार का टाइम होगा हम आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। सो ये बहुत ही इजी आसान ड्रिंक है बनाने के लिए। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना ज़रूर। फिर एक बार और मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव। रमजान मुबारक टू ऑल। मे दिस मंथ बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, फॉर इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स, फॉर रिमेंबरिंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला, रिमेंबरिंग एवरीवन अराउंड अस। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छी सेहत में। दुआ करती हूँ अल्लाह आपको कामयाबी दे इस दुनिया में तो आखिरत में। आज मैं शरबत बना रही हूँ। सो अभी मैंने 1 ग्लास आधा डाला है मिल्क का। सो ये है कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच। सो ये है कोल्ड मिल्क मैंने डाला है। सो अभी इसको अच्छे तरीके से विस्क करना है। वह शुगर डालिए 2 टेबल स्पून। तो ये है 1 चम्मच बसल सीड्स, तभी इनको हम गर्म पानी में डालेंगे, सो करेंगे। सो ऐसे गर्म पानी डालना है, फिर ये सोप फिर एक्सपैंड हो जाएंगे।
सर अभी बॉयल आ चुका है, तो उसमें मिक्सचर डाला है। सो ये देखो कैसे लग रहे हैं पास्ता सीज। सो अभी ये भी तैयार हो चुका है। सब ये ऐसे रखना है शरबत शरबत की शक्ल में। अभी गैस को बंद करेंगे, इसको कूल डाउन होने देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपको बताते हैं। तो ये है हमारी चेरी जेली, ये शरबत में डालेंगे। बस ऐसे इसको सिप कर दो। सो ऐड इन द बसल सीड्स, फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना। सो ऐड इन द आइस, सो ये है मैंगो जेली। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत तैयार है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनता है। तो आपने इंजॉय किया है, ये अच्छा है इफ्तारी के लिए ये बनाएं। तो अभी आपको अच्छा लगा है कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, तो दुआ में याद रखना। फिर अगले पाल मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।